तो गणेश चतुर्थी के लिए एकदम दानेदार नए तरीके से लड्डू बनाते हैं। ये सिर्फ 3 से 4 चम्मच घी में ही बन जाते हैं, फिर भी ये अंदर से एकदम ही रसीले बनेंगे, बिल्कुल भी ड्राई नहीं बनेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले 1 कप भर के लेंगे बेसन, इसमें जाएगी 1 कप भर के बारीक वाली सूजी। बेसन और सूजी दोनों इक्वल क्वांटिटी में लेंगे, दोनों को मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें हम ऐड करेंगे पिघला हुआ घी, तो 2 से 3 चम्मच पिघला हुआ घी ही हमें इस रेसिपी में लगेगा। तो यहाँ पे हम मोइन लगा रहे हैं घी का। घी को अच्छे से सूजी और बेसन में कंबाइन कर लेंगे और अभी इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमें सूजी और बेसन का एक आटा गूंथना है, और ये जो आटा हम लगाएंगे सॉफ्ट लगाएंगे, क्योंकि सूजी जो है पानी पीती है, तो बाद में ये आटा हल्का सा सख्त हो जाएगा। इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। और चलिए अभी ड्राई फ्रूट्स हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा घी डाल देते हैं 1 चम्मच जितना। स्लाइस किए हुए ड्राई फ्रूट्स को हम कुछ सेकेंड के लिए ही फ्राई करेंगे लो फ्लेम पे। तो ड्राई फ्रूट्स रेडी है, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अभी हम एक चाशनी बनाने वाले हैं। तो 1 कप चीनी लेंगे और आधा कप पानी लेंगे। तो बेसन, सूजी और चीनी की मात्रा जो है वो सेम रहेगी। इसे हम उबालेंगे, इसमें थोड़ा सा केसर ऐड करेंगे। इसे हमें कुछ 5 से 6 मिनट के लिए उबलने देना है। इसमें एक तार बनना शुरू हो चुका है, इस स्टेज पे हमें गैस को बंद कर देना है। इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल देंगे और इस चाशनी को हमें ठंडा होने देना है। और चलिए आटे ने भी रेस्ट कर लिया है, इसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अच्छे से इसे हम स्मूथ करेंगे और इसमें से हमें एक रोटी बेलनी है। तो गोल रोटी नहीं बेलेंगे तो भी चलेगा, थोड़ी सी पतली रखेंगे रोटी को। और एक लोहे के तवे पे इस रोटी को हम सेक लेंगे, अच्छे से दबा दबा के सेकेंगे ताकि अंदर से अच्छे से पक जाए। तो अगर आपको ये नए तरीके के लड्डू की रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से कमेंट में यमी टाइप कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और पेज को फॉलो किया नहीं है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। तो चलिए सारी जो रोटियां हैं वो हमने बना ली है, इसको इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे और इसे डाल देते हैं एक ब्लेंडिंग जार में और इसको हम पीस लेंगे। तो इसका हल्का सा फाइन पाउडर बनाएंगे, थोड़े दाने दाने रहने चाहिए। और अभी इसमें हम डाल देंगे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स, मिक्स कर लेंगे। और अभी हमने जो चाशनी बनाई है ये भी हल्की सी गुनगुनी है, चाशनी को ऐड कर देते हैं इस मिक्सचर में। तो चाशनी थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे क्योंकि हो सकता है थोड़ी सी चाशनी बच जाए। तो जब तक आपको लगे कि मिक्सचर जो है एकदम मॉइस्ट हो गया है तब तक चाशनी ऐड करते जाएंगे और कंबाइन करते जाएंगे। तो अभी देख सकते हैं जो लड्डू है ये बांधने की कंसिस्टेंसी में आ चुका है, ये जो मिक्सचर है ये। तो इसमें से हम छोटी छोटी साइज के लड्डू बना लेंगे और यहाँ पे हमारे एकदम ही जूसी, मुंह में घुल जाए ऐसे लड्डू बन के तैयार है। तो इस गणेश चतुर्थी आप भी इस रेसिपी को इस तरह से ट्राई जरूर करना। तो रेसिपी वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम जल्द मिलेंगे एक और ऐसी यमी टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।